आप खुश तो जहां खुश, लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है? क्यों अरमान टूटकर बिखर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आज अनगिनत लोग अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिए डॉक्टर एस के जैन एवं डॉक्टर सारांश जैन से इलाज का लाभ ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। ये संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल, जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट असलम रजा अब्दी और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दोस्तों, हमारे देश में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इसकी चपेट में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में इतना देखा गया है कि लोग क्राइम की हद तक उतर आ रहे हैं। वजह है सही सेक्स एजुकेशन का ना होना। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्स से जुड़ी हुई हर उस समस्या को डिस्कस करें जिससे कि नौजवान तबका खास तौर से एक सबक ले सके और गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करे। और इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के जैन, जो कि एक इंटरनेशनली फेम साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व है। आप मानव समाज के लिए एक वरदान है। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड इंक्वायरीज में। डॉक्टर साहब, अहमदाबाद से एक ईमेल मेरे पास आया जिसमें लिखा है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए और मेरी उम्र 36 साल है, लेकिन जब कभी भी मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूं, मेरे पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, मैं क्या करूं? उम्र 36 साल है और
if the erection is not getting on at the time of enjoyment, so naturally it is a matlab jo hai wo type of the impotency. Okay. Hai na? To ye hai ke doctor sahab ek cheez aur main mahatvapurna isme likhi hui hai ke inhone likha hai ke maine sare test karwa liye hain aur wo normal hai. Ji ji. Agar by the way sare teston se uska utra sambandh nahi hai kyunki ye koi infection nahi hai. Ji. Hai na? This is a matlab jo hai wo you can say matlab jo hai wo sharir aur man se milke ek safal sex sambandh bante hain. आज सभी जानते हैं कि सफल सेक्स सुखी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है जी। उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद भी लोग इसी के बारे में बात करने में काफी हिच महसूस करते हैं, संकोच महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं और दे फील शाई। बिल्कुल। तो जहां तक इनकी प्रॉब्लम की बात है कि 36 साल उम्र है और सारे टेस्ट मैंने बताया इसमें टेस्टेज की टेस्ट करवाने की उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी की इम्पोर्टेंस इस बात की है कि इन्होंने जो कुछ भी अपने प्रीवियस लाइफ में समथिंग एक्सेस की है कुछ बचपन की नासमझियां होती हैं कुछ जवानी की भूलें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अधिकांश मरीजों में देखी गई है इनको इमीडिएट किसी अच्छे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए यदि मिल लेंगे काउंसलिंग इनकी हो जाएगी और ये उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने एक जिक्र किया बचपन की भूलों के बारे में तो बहुत सारे छोटे हमारे नौजवान बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले वेरी राइट तो ये क्या भूल है बचपन में जो की जाती है आप इसके बारे में जरा विस्तार से बता दें मैं कहूंगा दुख का विषय है कि जो एक सही जानकारी हमारे ऑडियंस को हमारे बच्चों को हमारे यंगस्टर्स को मिलनी चाहिए उसका बड़ा अभाव है जी दे डोंट नो व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग यस तो दैट्स व्हाई वो कहीं पढ़ लिया कि हैंड प्रैक्टिस नुकसानदायक नहीं है अब वो बेचारे दिन भर में मतलब जो है वो एक एक दिन के अंदर 6-6 बार कर रहे हैं महीने में 100-200 बार कर रहे हैं इस प्रकार से जब होगा तो शरीर अस्वस्थ होने लगता है और मन के अंदर जब आवश्यकता से अधिक कामुक विचार होंगे फैंटेसी होगी तो नेचुरली वो अपने करियर को ध्यान देने के बजाय अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान देने के बजाय हर समय उसके दिमाग में कोई ना कोई फितूर सवार रहेगा समय जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं लिहाजा हमारे यंगस्टर्स को हमारे बच्चों को इस मामले में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक इस प्रोसेस को न करें यदि संभव हो तो इसे कम से कम करने का प्रयास करें जिससे कि वो अपने करियर की ओर ध्यान दें और आगे जीवन में उन्नति तरक्की करते जाएं। जी हाँ मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है खासकर नौजवानों के लिए कि मास्टरबेशन से जितना हो सके दूर रहिए हालांकि हानिकारक नहीं है जैसा कि डॉक्टर साहब बताते हैं अपना ध्यान करियर बिल्डिंग आपका टाइम है अपना ध्यान करियर की तरफ लगाइए पढ़ाई की तरफ लगाइए खेलकूद में अपना रुचि लीजिए और डॉक्टर साहब एक जो लेटर में पढ़ने जा रहा हूँ उसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 55 साल है और मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और उससे दो बच्चे हैं बड़ी लड़की की उम्र 12 साल है और छोटा लड़का 3 साल का है बच्चों की देखरेख के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली उसकी उम्र यानी इनकी दूसरी पत्नी की उम्र 35 वर्ष है अब मैं जब इससे संभोग करने की कोशिश करता हूँ तो लिंग में पूरा तनाव नहीं होता जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाती और लगता है दूसरी शादी करने में मेरे से बड़ी भूल हो गई मैंने गलती कर दी क्या इसका कोई निदान है देखिए ऐसा है कि आपने कोई भूल नहीं की है आपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए उनकी कन्वीनियंसी सुविधाओं को देने के लिए दूसरी मैरिज की है तो ये कोई भूल नहीं है दिस इज ए नॉर्मल वे जैसे आज मैक्सिमम वर्क अडॉप्ट करता है दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज दिस कि जब आपने सेकंड मैरिज की तो आपको अपने पावर को भी रिगेन करने के लिए अपने वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए था यदि वो प्रयास कर लिया होता तो मैं समझता हूं आज ये प्रॉब्लम नहीं होती दूसरी चीज कि आपकी उम्र 55 की है अगले की उम्र 35 की है देयर इज मतलब जो वो एज डिफरेंस इज देयर ऑफ द 20 इयर्स दिस इज द मेन थिंग तो इफ देयर इज एज डिफरेंस आप बिल्कुल परेशान ना हो बिल्कुल भी अपने को ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आप बहुत कुछ कर सकते हैं
मैं तो जनरल मरीजों से कहता हूँ कि 55 की उम्र तो 55 की होती है जी, है? तो दैट्स वाई काफी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं और आप उनको यदि बाई दिवे किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के अंडर में अपनी समुचित चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, यू कैन बी ऑलराइट। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये पत्र लिखने के लिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप संपर्क में आए, आपकी समस्या का जरूर निदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये ईमेल आई है इलाहाबाद से जी। लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरी अभी नई नई शादी हुई है लेकिन मेरी बीवी काफी एडवांस है और मैं फोरप्ले में ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ और मेरी बीवी कई बार मुझे छोड़ने की भी धमकी दे चुकी है, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? इनकी समस्या सुन के मैं इनको केवल एक ही बात मैसेज के तौर पे कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हौसला रखिए आप, बिल्कुल। और यदि बाई दी पे आप फोर प्ले में डिस्चार्ज हो रहे हैं तो दैट इज नॉट ए सो सीरियस प्रॉब्लम, इट कैन बी क्योर, इसका इलाज किया जा सकता है। और यदि बाई दी पे फिर भी आप मतलब जो वो मारे डर के या किसी भी चीज से आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, उससे अपनी बात ही शेयर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ नहीं हो सकता। तस्वीर आप परेशान ना हो और यह है कि अपनी मंजिलों को पाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, हर एक इंसान प्रयास करता है, तो यह क्या प्रयास करेंगे आप प्रॉपर वे में अपना ट्रीटमेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि ये कोई समस्या इनकी कोई इतनी बड़ी नहीं, कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, ये घबरा रहे हैं कि इनकी बीवी ने इनको छोड़ने की धमकी दी। अगर बाई दी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो इनकी क्या किसी की भी छोड़ के जाएगी। धन्यवाद आपका ईमेल करने के लिए और आप इसी तरह हमें अपनी समस्याएं भेज रहिए, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी छोटी से छोटी समस्या को भी डॉक्टर एस के जैन साहब के सामने रखें। अभी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ, देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हां, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर SK जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष के मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। इसी सपने का एक हकीकत रूप है सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर SK जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर SK जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर SK जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए, दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर SK जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग,
28/A विधानसभा मार्ग लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। हमारे साथ हैं इंटरनेशनली फेम साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं और ये लेटर आया है कानपुर से। लिखा है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मुझसे 12 साल छोटी है उम्र में और मेरी उम्र 57 साल है, लेकिन वो अधिकतर सेक्स चाहती है, मैं क्या करूं? फिर वही डॉक्टर, सिमिलर प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, जो गैप है वो 12 साल का है। देखिए, ऐसा है कि यदि बाई दिवे गैप 12 साल का है तो आपको इसमें, जहां तक मैं समझता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जो एक नॉर्मल गैपिंग होनी चाहिए वो 2-4-6 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये एक एज गैपिंग है, एज डिफरेंस है, तो यू शुड ट्राई योर सेल्फ फॉर योर टू मेंटेन योर सेल्फ फॉर योर पावर। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वो 57 साल उम्र है और 12 साल का गैप है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, जो वाइफ जो काउंटर पार्ट है उनकी, वो ज्यादा चाहती है और इनको लगता है कि उम्र के कारण ये उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, 57 साल पर जो फ्रीक्वेंसी सेक्स है, क्या वो नेचुरली डिक्रीज हो जाती है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो यह है कि ये तो वो फीलिंग्स है कि यदि बाई दी आपने अपनी पावर को मिस यूटिलाइज किया है, कुछ जरूरत से ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई बैटरी है, यदि बैटरी से जरूरत से ज्यादा उसको कंज्यूम कर लेंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और यदि बाई दी डिस्चार्ज हो गई है, उससे आपको आगे भी लाइटिंग चाहिए या उससे अपना वर्क चाहिए, तो इट इज नेसेसरी कि आप उसे, मतलब जो वो रिचार्ज तो करें। और यदि आप उसको रिचार्ज कर रहे हैं, मींस अपने को मेंटेन कर रहे हैं, मींस अपने को, मतलब जो आप दवाइयां लेके प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, तो 57 साल इज नथिंग। लोग, मतलब जो वो मैंने देखा है कि 67 और 77 तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहते हैं। तो ये तो आपकी कोशिश के ऊपर है। और जहां तक परेशान होने वाली बात है, मैंने 30-35 साल के नौजवानों को परेशान होते देखा है कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं अपनी, मतलब जो वो इस कमजोरी में, तो यू मस्ट नॉट वरी फॉर दैट। और आप लग के अपना ट्रीटमेंट करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ। और डॉक्टर साहब, अगला ईमेल आया है, ये आया है पानीपत से। लिखा है कि सर, मेरी गलत आदत है हस्त मैथुन करने की, 8 साल से हस्त मैथुन करने की आदत है और मेरी शादी 3 माह बाद होगी, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ संभोग कर पाऊंगा? मेरे लिंग में तनाव कम हो गया। जैसे कि आपके प्रश्न से जाहिर है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मतलब ये गलत आदत मेरे अंदर लग गई है, तो बट नेचुरल है कि आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये जो मैं 8 साल से मतलब प्रोसेस को दोहरा रहा हूं, कुछ जरूरत से ज्यादा प्रोसेस है, तो नेचुरली आपको कुछ ना कुछ, मतलब जो है वो मानसिक या शारीरिक कमजोरियां महसूस हुई होंगी, तब आपने उसको समझा कि ये गलत है। और यदि गलत है तो आप उस प्रोसेस को ज्यादा रिपीट न करते हुए, जो भी आपके अंदर यदि बाई दिवे कमी आ गई है, इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ये सब भ्रांतियां हैं, या आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कर भी लेंगे और ठीक भी रहेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वो उससे आप वंचित हो जाएंगे। लिहाजा गलत आदत को छोड़ने का प्रयास कीजिए, और यदि बाई दिवे कोई कमी है तो झिझकिए नहीं, शर्माइए नहीं, डोंट टू बी शेम, go any proper qualified sexologist and get the counseling
यू विल गेट योर सक्सेस। जी हाँ, तीन महीने बाद लिखा है कि शादी होने वाली है, तो तीन महीने आप समझते हैं कि एक अनफ? जहां तक मैं समझता हूँ कि मतलब जो है वो अगर बाई दे किसी भी चिकित्सक की दवाइयां अच्छी हैं तो महीना डेढ़ महीने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बेशक कुछ लोगों में ज्यादा जरूरत पड़ भी जाती है, तो दो तीन महीने तो बहुत काफी है। ही कैन बी मेंटेन हिमसेल्फ इन ए वेरी इजी फॉर्म। जी डॉक्टर साहब, एक और ईमेल आया है, इसमें इन्होंने अपना नाम हमें ना बताने के लिए लिखा है। ये 35 साल की हैं और इनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, दो बच्चे भी हैं। इनकी समस्या ये है, लिखती है कि मेरे स्तन का विकास नहीं हो पाया है, जिससे मेरे पति मुझे हीन भावना से देखते हैं और उनका लगाव दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्या स्तन का विकास इस उम्र में हो सकता है? उम्र 35 साल बताई है जी। और जहां तक स्तनों के विकास की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्तनों का विकास बहुत अच्छा संभव है, काफी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। इफ यू कैन एक्सपेंड मोर, यदि आप ज्यादा खर्चा कर सकते हो तो मैं समझता हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसका एक बहुत अच्छा उपाय है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उससे। और यदि बाई दिवे आप 2-4 लाख रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं, समथिंग लगभग एप्रोक्स, और थोड़ा कम में अपना मतलब जो करना चाहते हैं, तो थोड़ा समय जरूर लगता है आयुर्वेद की चिकित्सा में, लेकिन 2-3 महीने इलाज करने पे ये चीज काफी अच्छी, इसका डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है। और अभी तो आपकी उम्र 35 साल है, तो लिहाजा ऐसी असलम साहब बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो लोग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो कोई ऐसी इनको लगता है हीन भावना में नहीं पाना चाहिए। और बल्कि अपने को यदि ये थोड़ा सा बूस्टअप कर लेंगे जी, है ना, तो नेचुरली हस्बैंड का इंटरेस्ट फिर से वही मेंटेन हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका ईमेल करने का। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के जवाब से आपको जरूर कोई गाइडेंस मिली होगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं डॉक्टर साहब की सफलता के एक सफर पर। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही है, आरज़ूएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहाँ हैं हम, कहाँ हैं हमारे सपने, कहाँ हैं हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSS जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने, डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं,
और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलतफहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेशकीमती समय निकालने के लिए, इस शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपकी और समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ। आप खुश तो जहां खुश, लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है, क्यों अरमान टूटकर बिखर रहे हैं, कभी सोचा है आपने? आज अनगिनत लोग अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिए डॉक्टर एस के जैन एवं डॉक्टर सारांश जैन से इलाज का लाभ ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं?
एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे।